परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस अप्रैल महीने का पहला सप्ताह हमें दिखाया है। वो परमेश्वर इस पूरे मार्च महीने में हमारे साथ रहा, हमें संभाला है, हमारे ऊपर उसने दृष्टि की है, हमें आशीषित किया है, हमें बलवंत किया है। और आज सुबह के समय में हम उस परमेश्वर के पवित्र चरण में आए हैं। आइए अपनी आँखों को बंद करके, अपने सर को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचे उठाएं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू जीवित परमेश्वर है राजा, तू महान परमेश्वर है, तू पराक्रमी परमेश्वर है। तुझसा परमेश्वर संसार में कोई नहीं है। तूने परमेश्वर ये सुंदर अवसर दिया है कि तेरी चुनी हुई संतान राजा तेरे चरणों में आके तेरी स्तुति करें, तेरी प्रशंसा करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाए राजा। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है राजा, तू हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है राजा, तू हमें सही मार्ग पे परमेश्वर चलाने वाला है राजा। चाहे परमेश्वर हमारे जीवन में घोर अंधकार आए राजा, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी तबाही हो राजा, तू हमारे साथ रहा, हमारे आंसू को तूने पोछा है राजा। तूने हमारे निर्बलता के समय में राजा हमें बल दिया है राजा। जब हमारी आशा टूट गई थी राजा, तूने हमें अपने वचन से हौसला बुलंद किया है राजा। ओ परमेश्वर, हर एक उत्तम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हर एक भलाइयों के लिए हम तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हैं राजा। ओ परमेश्वर, तू महान और सामर्थ्य है राजा, तेरे नाम में कितना बल और सामर्थ्य है राजा। तेरा नाम परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ नाम है, सर्वशक्तिशाली नाम है राजा, और सर्वोत्तम नाम है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु, तूने हमें ये लायक समझा है राजा कि हम तेरे चरणों में आके तेरे नाम को ऊंचा करें राजा, तेरे नाम को पुकारें परमेश्वर, उस नाम को परमेश्वर आदर देने के लिए, महिमा देने के लिए, बढ़ाई देने के लिए सहायता कर राजा। हमारा जीवित रहने का मकसद तू ही है राजा। हम इस सुबह के समय में परमेश्वर जीवित हैं और तेरे चरणों में हैं राजा, ये तेरी महान करुणा का फल है राजा। हम अपने कर्म के कारण नहीं राजा, हम अपनी युक्तियों के कारण नहीं राजा, लेकिन तेरी अपरंपार करुणा के कारण परमेश्वर हम जीवित हैं और तेरी कलीसिया में है राजा, तेरी पवित्र मंडली में है राजा। इस समय में राजा हम तेरी स्तुति और आराधना करने वाले हैं। हमारी हर एक स्तुति की भेंट को परमेश्वर आप अर्पण करिए राजा, आप ग्रहण करिए परमेश्वर। हम परमेश्वर दिल की गहराई से राजा हर एक गीत को परमेश्वर समझते हुए, हर एक शब्द को समझते हुए राजा, सच्चे दिल से और सच्चे परमेश्वर मन से संपूर्ण शक्ति से तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। तू आज सुबह के समय में परमेश्वर इस आराधना से अनेक लोग को छुटकारा देने वाला है, चंगाई देने वाला है परमेश्वर, बड़े बड़े काम करने वाला है राजा। तू परमेश्वर बीमारियों को परमेश्वर चंगा करने वाला है, हर एक बीमारी को दूर करने वाला है राजा, हर एक बंधन से परमेश्वर तू हमें आज़ाद करने वाला है राजा, हर एक जादू और टोना की शक्ति से परमेश्वर तू अपने लोगों को आज़ाद करने वाला है। इस आराधना से परमेश्वर आत्मिक जीवन में राजा एक बदलाव लेके आने वाला है, एक उन्नति का परमेश्वर मार्ग दिखाने वाला है राजा। ओ परमेश्वर, सच्चे हृदय के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा, सिर्फ तेरा ही नाम ऊंचा होने पाए राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। आप सबको इस नए महीने में और परमेश्वर के चरणों में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। ये महीना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना है। अगले हफ्ते हम परमेश्वर के जी उठने के दिन को सोच के, उस परमेश्वर की हर एक आशीष को सोच के उसकी आराधना करने वाले हैं। परमेश्वर ने हमें ये नया हफ्ता दिया है और उस परमेश्वर की हर एक भलाइयों को, हर एक उत्तम आशीषों को सोच के हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। उस परमेश्वर ने हमें अपने दाहिने हाथ से थामा है,
उस परमेश्वर ने हमें हमारे निर्बलता के समय में हमें बल दिया है। उस परमेश्वर ने हमें जब हमारी आशा टूट गई थी तो हमें आशा दी है, हमें बलवंत किया है, हमें सहारा किया है। इस पहले गीत को गाएंगे, कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, मैं कैसे धन्य कहूँ। इतना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य परमेश्वर ने अपनी आंख के समान हमें थामा है, हमारी रक्षा की है। अनेक समय में जब हम सो रहे होते हैं या फिर हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे होते हैं, उस समय में भी, हमारे अनजान समय में, वो परमेश्वर हमें थामने वाला परमेश्वर है। अनेक समय में हम बहुत लापरवाह हो जाते हैं, वो परमेश्वर हमें थामता है। हमारे बीमारी के समय में वो परमेश्वर हमें थामता है। हमारे दुख के समय में वो परमेश्वर ने हमें थामा है। हमारे जीवन में अनगिनत उपकार उस परमेश्वर ने दिए हैं और ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कार्य है कि हम उस परमेश्वर की निरंतर स्तुति करें,
उसे धन्यवाद दें और उस परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा करते रहें। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। गीत कुछ ऐसे जाता है, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। इस गीत को गा के उस परमेश्वर से कहेंगे कि हमारे जीवन में अनेक स्थानों में सूखी हड्डियां हैं, अनेक स्थानों में हम मर चुके हैं, हमारा हृदय हमारा आत्मिक जीवन मर चुका है, और ये समय है कि वो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की अग्नि को अपनी सामर्थ को अपने लोगों के ऊपर उंडेल दें, ताकि हमारे जीवन में ताकि हमारे आत्मिक जीवन में एक जान आ जाए और उस परमेश्वर को हम और प्रेम करें, उस परमेश्वर की सेवकाई करें और उसके लिए विश्वास योग्य रहें। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गाएंगे। सीना
परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ को राजा हमारे बीच में भेजे राजा। इन अंतिम दिनों में राजा, अनेक समय में राजा हम पाप में गिर जाते हैं, अनेक समय में परमेश्वर तेरा और हमारा रिश्ता टूट जाता है, अनेक समय में राजा हमारा जीवन में पाप भर जाता है, अनेक समय में हम इस संसार की दौलत और शौहरत के पीछे, इस संसार के घमंड के पीछे, इस संसार के विजय के पीछे हम पीछे दौड़े फिरते हैं राजा। ओ परमेश्वर, तू चाहता है तेरी अग्नि, तेरी सामर्थ राजा हम सबके ऊपर उंडेल दे राजा, ताकि प्रतिदिन परमेश्वर तेरे लिए जीने के लिए सहायता कर राजा, तेरे प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए सहायता कर। आइए अपने स्थानों में खड़े होके
अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठा के उस परमेश्वर से कहिए, धन्यवाद देते हैं राजा इस जीवन के लिए, इस सुंदर दिन के लिए। राजा तूने हमें इस लायक समझा है कि हम तेरे पवित्र मंडली में आके तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तेरी हमदोसना करें। राजा हमें परमेश्वर पवित्र कर, हमारे जीवन को पवित्र कर राजा, हमें पवित्र कर राजा। ओ परमेश्वर, अनेक समय में शैतान हमारे जीवन में अनेक परेशानियां लेके आता है, अनेक परीक्षा लेके आता है राजा, उन सबको परमेश्वर फांदने के लिए, उन सबको परमेश्वर आगे परमेश्वर ले जाने के लिए, उन सबके ऊपर एक जय को पाने के लिए तू सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, संसार में अनेक समय में राजा बहुत से लोग परमेश्वर हमसे कितनी बार वायदा करते हैं राजा, लेकिन वो पूरा नहीं करते हैं। लेकिन तू एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो वायदे को पूरा करने वाला है। तू वचन में लिखे हुए हर एक शब्द को पूरा करने वाला है राजा। इस सुबह के समय में राजा अपनी पवित्र सामर्थ को हमारे बीच में भेज दे राजा। ओ परमेश्वर, अपनी परमेश्वर आवाज को, तेरी आवाज को सुनने के लिए हमें सहायता कर राजा। तू एकमात्र परमेश्वर है जो स्तुति के योग्य है, जो आदर के योग्य है, जो प्रशंसा के योग्य है राजा। और हम तुझे आदर देना चाहते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं ओ राजा। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। अपने हाथों को उठाते हुए से राजा,
अपनी बातों से परमेश्वर, अपने चाल चलन से राजा तुझे आद और महिमा देने के लिए सहायता कर राजा। और मैं अपने परमेश्वर की आदर और स्तुति और महिमा करने के लिए परमेश्वर तूने हमें ये सुंदर मौका दिया, तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। इस महीने में राजा तूने हमारे लिए अनेक आशीषें रखी हैं ओ परमेश्वर, अनेक युक्तियां तूने हमारे जीवन के लिए रखी है, अनेक जीत हमारे लिए रखी है राजा। उन सबको तेरी दया से, तेरी करुणा से, तेरी अनुग्रह से परमेश्वर हासिल करने के लिए सहायता कर। हमें इस योग्य बना राजा कि हम तेरे आशीष के लायक हो राजा। हमें इस योग्य बना परमेश्वर कि हम तेरी स्तुति कर सके राजा। हमें इस योग्य बना परमेश्वर कि हम तेरी प्रशंसा कर सके, तुझे आदर दे सके राजा। हमें इस योग्य बना परमेश्वर कि हम तेरे पुत्र और पुत्री कहलाए जाए राजा। हमारे जीवन को परमेश्वर पवित्र कर राजा, तेरे आगमन के लिए तू हमें तैयार कर राजा। हर एक चीजें परमेश्वर, हर एक व्यवहार राजा जो तुझे पसंद नहीं है, जिससे तू घृणा करता है राजा, हर एक अपवित्र चीजों का परमेश्वर हमारे जीवन से तू बाहर निकाल दे। हमारे सोच और विचार पवित्र होने पाए, हमारे चाल चलन को परमेश्वर तू परमेश्वर पवित्र कर राजा। तेरे वचन के परमेश्वर अनुसार चलने के लिए सहायता कर राजा। जितने भी भाई बहन लोग परमेश्वर हमारे साथ मिलके तेरी आराधना कर रहे हैं राजा, उन सबको तू आशीष कर राजा, उन सबको तू आशीष दे राजा। अपने सामर्थ से, अपने बल से राजा, अपनी तंदुरुस्ती से उन सबको भर दे राजा। उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। इस नए महीने में परमेश्वर तू अनेक नए मार्ग को खोलने वाला है, अनेक नए प्रतीक के वचन से हमें तृप्त करने वाला है, हमें चलाने वाला है राजा, हमें हरी हरी चराइयों में चलाने वाला है राजा। हमारे लिए उत्तम आशीष तूने रखी है राजा, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। अपने वचन से तू हमसे बातचीत कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं,
मसीह यीशु के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें एक नया महीना दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु कितना भला है, कितना अच्छा है। वह हमें परवरिश करता है, वह हमें देखभाल किया है, वह हमें आश्चर्यचकित काम से आपको लाया है। क्या आप साक्षी दे सकते हैं, पिछले तीन महीने तक प्रभु ने आपको कैसे चलाया, कैसे आपको आशीर्वाद दिया? हाँ, मैं कह सकती हूँ प्रभु ने हमें बहुत अच्छी तरह से देखभाल करके हमको चलाया है। सब जगह मरी फैली हुई है, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया है। यहाँ अभी धूप ज्यादा हो गया है, फिर भी परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल के ले आया है। हमें अच्छी गीत दी है, हमें अच्छा गाना गाने के लिए परमेश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु के लिए, धन्यवाद प्रभु। और ये महीना भी परमेश्वर हमें अच्छी तरह से देखभाल करेगा, अगर आप अपने को उसके हाथ में देंगे, अगर आप अपने जिंदगी को उसके हाथ में देंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, तो प्रभु आपको जरूर चलाएगा। चलिए हम वचन की ओर हम देखते हैं, वचन की ओर अपना ध्यान बैठाते हैं। भजन संगीता 37:5, भजन संगीता सैम्स 37:5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। बहुत लोग अपने मार्ग की चिंता करते हैं, कैसे क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, कैसे करूं, ये कार्य को कैसे करूं, वो कार्य को कैसे करूं। अगर आप माँ बाप हैं तो आप बच्चे के लिए चिंतित होंगे, तो मेरे बच्चों को कैसे मैं पढ़ाऊं, कैसे मैं उनको बढ़ा करके कैसे उनकी शादी करूं। सब किस्म की चिंता होती है, उनका कैसे काम करवाएं, उसको कैसे घर बसाएं, सब किस्म की चिंता होती है। लेकिन परमेश्वर कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। अपने मार्ग की चिंता जब तू यहोवा पर छोड़ता है, तो वो तुझे सब किस्म के आशीर्वाद से भरकर तेरा हाथ थाम कर तुझे ले आने के लिए परमेश्वर एकदम हमारे लिए वो वाचा रखने वाला परमेश्वर है। वो हमें चलाने के लिए वो तैयार है, अगर आप उसके हाथ में देंगे। आप चिंता ना होइए, क्या होगा, परीक्षा आ रहा है, मेरे बच्चे का परीक्षा कैसे होगा, हमारे अभी नए पाठशाला में नहीं तो नए क्लास में जाने के लिए, भर्ती करवाने के लिए उसके लिए फीस भरनी है, यूनिफॉर्म लेना है, बहुत बड़ी चिंता है। सबको सब किस्म के बहुत सारे चिंताएं भरी होती है, लेकिन परमेश्वर कहता है अपना मार्ग प्रभु पर डाल। बस आप अपना चिंता, आप अपना मार्ग प्रभु के हाथ में देकर अगर आप चलेंगे, तो परमेश्वर आपको चलाएगा। अगर आप मनुष्य पर भरोसा रखें, ये मनुष्य देगा, वो मनुष्य देगा, उसे मैंने मदद मांगी है, वो मेरा मदद करेगा, इस शादी में मुझे इतना पैसा लगता है, वो मेरे लिए मदद करेगा, नहीं तो बच्चों के लिए फीस भरनी है तो उनके पास मैंने मांगा है, मेरा मालिक मेरे लिए पैसा देगा, वो मुझे एडवांस देगा, ऐसे सोचे हैं? नहीं 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 नहीं, आप मनुष्य पर नहीं, अपने काम पर नहीं, अपने बल पर नहीं, अपनी बुद्धि पर नहीं, आपके जो शिक्षक है उसके कारण मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, नहीं 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 नहीं। परमेश्वर कहता है तू मेरे ऊपर भरोसा रख, अपना मार्ग मेरे को दे दे, तो मैं जरूर अब तुझे चलाऊंगा। हमारा निजा जिंदगी में कभी कभी हम कुछ निर्णय लेते हैं, लेकिन जाते जाते कहीं ना कहीं टुकरा कर रुक जाते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं ये निर्णय नहीं लिया होता तो अच्छा होता, मैं असफल हूं। बहुत बार जहां भी मैं मार्ग में जाता हूं, थोड़े दूर जाता हूं, अटक जाता हूं,
आगे जाने का मार्ग नहीं है, कैसे जाऊं, क्या करूं, समझ में नहीं आता। लेकिन परमेश्वर कहता है अपना मार्ग मेरे हाथ में दे, अपना जो भी समस्या है मेरे हाथ में दे दे, मैं तुझे हल करूंगा। अगर हम परमेश्वर को भरोसा रखकर, परमेश्वर पर विश्वास करके हम आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर इस महीना आपको एक बरकत, ऐसी बरकत देने वाला है कि आपने अभी तक पाया नहीं था। आप अभी तक ऐसा अद्भुत कार्य आपके जिंदगी में, नहीं तो आपके आस पड़ोस में आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर आश्चर्य काम करता है। जैसे उसको किया मेरे को नहीं, जैसे इनको किया वैसे नहीं, लेकिन हमारे लिए एक नया मार्ग खोलकर नया मार्ग में हमें ले चलता है। चलिए फिर से हम वही वचन पढ़ेंगे। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। मैंने छोड़ दिया, मैंने सब वचन बता दिया, मैं प्रार्थना करते समय मैंने अपना बोझ पूरा परमेश्वर को दे दिया, लेकिन फिर भी मैं भी कोशिश करना है, मुझे भी कुछ करना है, मैं क्या करूं, चिंतित है। परमेश्वर करता है कि तूने मेरा, तेरा मार्ग मुझको दे दिया है और तू मेरे ऊपर भरोसा रख, भरोसा रख, परमेश्वर जरूर एक नया मार्ग दिखाएगा जो अब तक मुझसे नहीं हुआ, इस बार होगा, इस महीना होगा। तो भरोसा रख, भरोसा रखने से वो पूरा करेगा। बीच रास्ते में छोड़ के चले जाने वाले मनुष्य जैसे नहीं, मनुष्य कहेंगे इतना हो गया भैया, इससे आगे नहीं होगा, इतना हो गया माँ, इससे आगे मुझसे नहीं होगा, मैंने आज तक तुमको संभाला, इसके बाद आप अपना काम ढूंढ लीजिए, आप अपने पैरों में खड़े हो जाइए, कहेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपना पूरा पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको बरकत आशीर्वाद देगा। हालेलुया। यर्मिया का किताब 17 का 7 देखेंगे। यर्मिया का किताब 17 का 7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। आधार माना है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। आधार माने क्या, वही है नींव। एक बिल्डिंग के लिए जैसे नींव बना है, वैसे वही है मेरा सब कुछ, वही मेरा आधार है। अगर हम उस पर भरोसा रखकर उसको अपना आधार माने तो क्या होगा, 8वां वचन पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जल और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। देखो यहाँ एक पेड़ के तुलना करके कहा गया है, एक मनुष्य को पेड़ के तुलना करके कहा गया है कि वो मनुष्य कैसे रहेगा, जैसे एक वृक्ष जो नदी के किनारे पानी जल में अपना जड़ लगाया हुआ एक पेड़ हो, तो वो पेड़ कैसा होगा, सूखा होगा नहीं, वो एकदम हरा भरा, पूरे पत्तों से भरा हुआ, उसका छाए में जो भी बैठता है उसमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है, सब लोग खुशी खुशी बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, उस पेड़ में इतना आनंद है, उस पेड़ को भी आनंद है और वहां जो भी जाते हैं उनको भी आनंद है, जब पक्षियां वहां आती है चहचहाती है उनको भी आनंद मिलता है। कहां, सूखे वृक्ष में नहीं, लेकिन जो वृक्ष में पत्ते
एकदम हरा भरा है, उसके जड़ पानी में, वो भी बहते नदी के किनारे हुए पेड़ हैं, तो वो हर दिन हर बार वो एकदम हरे भरे रहते हैं। आगे पढ़िए, जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। इसमें कहा गया है कि जब उसमें सूखेपन आएंगे, नहीं तो गर्मी के कारण, आजकल अप्रैल का महीना तो सब जगह पतझड़ होता है, पत्ते झड़ जाती हैं, सब जगह पेड़े बिना पत्ते के दिखते हैं, कुछ कुछ पेड़ तो हरे भरे लगते हैं। नीम का पेड़ हमारे यहाँ एकदम पतझड़ हो गया, लेकिन आम का पेड़ तो पूरा भरा भरा है ना। तो वैसे जहां भी देखते हैं कुछ कुछ पेड़ जैसे सूख जाते हैं, वैसे ये वृक्ष का नहीं होगा। नदी में पानी कम भी पड़ जाए, सूख भी जाए, लेकिन ये इतना तंदुरुस्त होगा कि अगला बार जब पानी आएगा तब तक वह हरा भरा बनकर रहेगा। उसी के मापिक हमारे जिंदगी में भी, जब धूप आती है, नहीं तो कठिनाई का दिन आते है, नहीं तो जब हमारे खमी गटी का समय आता है, नहीं तो कोई मरी के कारण हम बेचैन हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम हरे भरे रहोगे, क्योंकि तुम्हारा रास्ता मार्ग तूने मुझको दिया है, मैं तुझे संभालूंगा, तुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, सही समय पर तू फल देगा। इसमें कहा है कि तब भी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा, वो पेड़ गर्मी में भी सूखापन में भी वह वृक्ष फलता रहेगा। उसी के मापिक हमारे जिंदगी में, हमारे बच्चों के जिंदगी में सब कुछ हरा भरा रहना है तो आपको परमेश्वर से भरोसा रखना होगा, अपना मार्ग परमेश्वर के हाथ में देना होगा। अगर आप परमेश्वर को देते हैं, अगर सूखापन आपको आने का भी मालूम है कि हाँ गर्मी का समय आ रहा है, हमारे अंदर गर्मी के समय आता है तो हमें दुख पड़ता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें चलाएगा। देखिए, आप यूसुफ के बारे में जानते हैं, यूसुफ के जिंदगी में तो हमने देखा कि वो अपने माँ बाप के साथ जब था तो एकदम फला हुआ था, उसको रंग बिरंगे कपड़े दिए गए थे, वो बहुत लाडला था, क्योंकि वो अपने माँ का पहला पुत्र और वो भी पिता का बुढ़ापे में पैदा हुआ पुत्र था, बहुत वो लाडला था। लेकिन क्या हुआ, ऐसे एक दिन आया कि उसके माँ बाप, उसके भाई, सब लोग उसे नफरत किया, उसे गड्ढे में डाला, उसको बेच डाला और वो मिस्र देश में जाकर रहना पड़ा। वहां जाकर भी परमेश्वर उसके संग था, उसके हाथ का जो भी काम था सब कुछ सफल हुआ, लेकिन वहां भी उसको धूप लगने लगी। जब उसको धूप लगी तो उसे उठाकर कारागर में बंद कर दिया, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर उसके संग रहा, परमेश्वर उसके संग रहा, धूप लगी लेकिन परमेश्वर उसके संग रहा, वो परमेश्वर को कोसा नहीं, वो परमेश्वर पर भरोसा रखा, वो परमेश्वर का जो वो प्रतिज्ञा वचन उसको दिया गया था उसे जकड़ कर पकड़ लिया था। उसने कभी भी अपने को नीच नहीं समझा कि मैं बस खत्म, मेरे घर में सब कुछ मुझे छोड़ दिए, मेरे घर वाले ने छोड़ दिया, मेरे भाई लोग ने मुझे नफरत किया, ये मेरे जिंदगी में मेरा सपना कैसे पूरा होगा, कभी उसने सोचा नहीं। मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मैं जरूर मेरा मंजिल पहुंचूंगा। कैसे पहुंचेगा,
तू तो सब कुछ नीचे जाता रहे, लेकिन उसके मन में एकदम अटल निर्णय था, मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मैं जरूर जीतूंगा। और आखिर आखिर एक दिन ऐसा आया कि राजा ने उसको बुला भेजा। जब उसको राजा से बुलाव आया तो उसके बाद 80 साल तक वो फलता हुआ फूलता हुआ सब किस्म के आशीर्वाद से भरा हुआ सबसे ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए परमेश्वर ने उसको बनाया। आपके जिंदगी में भी गर्मी आ सकती है, लेकिन अगर आप अपना मार्ग परमेश्वर को दे दें तो परमेश्वर आपको जरूर एक ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां आप फलते रहेंगे फूलते रहेंगे, परमेश्वर का सुगंध देते रहेंगे, सबके लिए आप आशीर्वाद बन जाएंगे। आपको क्या करना है? अपना मार्ग परमेश्वर को देना होगा। अपना मार्ग परमेश्वर को देना ही बस नहीं, उस पर भरोसा रखकर चलना होगा, न्याय के रास्ते में चलना होगा। जब आप न्याय कार्य करेंगे, खरा मार्ग में चलेंगे, तो परमेश्वर आपके संग रहकर आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति का किताब 24 का 12 देखते हैं। उत्पत्ति का किताब 24 का 12। सुबह कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सौते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियाँ जल भरने के लिए निकली आती हैं। ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। ये कहानी आप शायद जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ये पूरे आयर को पढ़ के देखिए तो आपको मालूम होगा, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं अब्राहम का दास, वहां अब्राहम के लिए, अब्राहम के बेटे के लिए, इसहाक के लिए एक लड़की ढूंढने जा रहा था। अब्राहम ने उसे एक प्रतिज्ञा लिया था कि तू यहाँ अन्य जाति से मेरे लड़के के लिए लड़की नहीं ढूंढना, मुझे मेरे अपने देश में जाकर तू उसके लिए लड़की ढूंढना होगा। तो उसने कहा, अगर वो लड़की ना आई तो मैं क्या करूं? परमेश्वर तेरा संग है, वो तुम्हें चलाएगा। बस बुढ़ापन के कारण, अब्राहम को ना आने के कारण वो अपने दास को भेजा, और वो भी परमेश्वर पर भरोसा रखकर, परमेश्वर से भरोसा रखने के कारण अपना मार्ग परमेश्वर को देकर उसने कहा, मुझे सही रास्ते में ले चल प्रभु। और उसने ऐसे एक जगह को ढूंढा और वहां उस सोते के पास उसने ऊंटों को बिठाकर प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद तुरंत वहां एक लड़की आई और उससे वही प्रश्न पूछा जो प्रार्थना में उसने रखा, और वही प्रश्न से जो उत्तर उसको चाहता था वही उत्तर उसको मिला। तो उसको बहुत एकदम खुशी हो गई और तुरंत उसके घर गया, उनके लड़की का हाथ मांगा। तो आपके घर में कैसे शादी होती है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहां देखिए एक आश्चर्य और अद्भुत कार्य हुआ कि उसने गया, उसने कुछ बालियां दी, हाथ के खंगड़ दिए, सब कुछ दिया, खाने के लिए बोला। तो उसने कहा, अगर आप लड़की देंगे तो मैं खाना में हाथ रखूंगा, नहीं तो नहीं, मुझे और भी जाना है। अगर आपकी मर्जी हो तो मुझे उत्तर दो। तो तुरंत उन्होंने उसके लिए हां कर दिया। उस लड़की को बिना दूल्हा देखकर, लड़के को देखकर उन्होंने उस लड़की को उस दास के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए थे। 48 वचन पढ़िए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी
इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी कुटुंबी की पुत्री को ले जाऊं। सो अब यदि तू मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कहो, ताकि मैं दाहिनी ओर व बाई ओर फिर जाऊं। 55 वाला वचन पढ़ते हैं, 55। रेबेका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन रहने दे, फिर उसके पश्चात। माँ और भाई कहते हैं, चलो हम सब समाधान हो गए, हाँ हम संबंधी बनेंगे, इनको हम लड़की देंगे, सब कुछ हो गया, लेकिन कहते हैं 10 दिन, 10 दिन मेरी बेटी को हमारे साथ रहने के लिए आप ठहरिए। लेकिन वहां क्या हुआ, अगला वचन पढ़ते हैं, 56। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है, सो तुम मुझे मत रोको, तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो, मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं, क्योंकि वो वहां निकला हुआ बहुत दिन हो गया था, मेरा स्वामी बेचैन होगा, मिला ना मिला, कैसी लड़की आएगी, क्या होगा, वो क्या करेगा, कैसे ढूंढेगा, उसको बहुत बेचैनी थी। लेकिन ये दास कहता है, मेरा स्वामी का परमेश्वर मुझे ठीक मार्ग में लाया और सही घर में मुझे पहुंचाया, और मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि मेरे स्वामी को मुझे बताना है। तब उन्होंने क्या कहा, अगला वचन पढ़िए, 57। उसने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वे क्या चाहती है। सो उन्होंने रेबेका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। देखो रेबेका भी कैसी लड़की थी, उसके माँ और भाई कहते हैं कि 10 दिन हमारे संग रहो, कुछ बातचीतें हमको बताना है, आपको सिखाना है, हम बताएंगे। वो कहती है, नहीं मैं जा रही हूँ। ये आदमी कैसा आदमी है, ये इतने ऊंटों को लाया है, ऊंटों के संग कुछ लोगों के भी आदमियों को लाया है, इसके साथ एक बाहरी लड़की को कैसे भेजें? लेकिन इसका इतना बड़ा दिल था कि वो कहती है, मैं जाऊंगी, मैं उनके संग जाऊंगी, और तुरंत वह उनके साथ चलने लगी। अगर परमेश्वर हमारे संग है तो सब कुछ हो सकता है। हम कहेंगे ये सब असाध्य है, ये नहीं हो सकेगा, कहीं ऐसे होगा क्या, कोई लड़की ऐसे मानेगी क्या, बिना लड़का को देकर वो मानेगी क्या? लेकिन वचन कहता है वो मानी, वो उनके उसके साथ चली गई, और उसका घर तो बहुत बड़ा बना। आगे पढ़िए। सो उन्होंने रेबेका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रेबेका और उसकी दाई और इब्राहिम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया, और उन्होंने रेबेका को आशीर्वाद देकर कहा, हे मेरी बहन, कि तू हजारों लाखों की आदिमाता हो और तेरे वंश अपने बैरियों के नगरों को का अधिकारी हो। इस पर देखो उन्होंने कैसे आशीर्वाद दिया, हजारों लाखों की आदि माता हो और बैरियों के वंश में, बैरियों के नगर में तेरा वंश फैल जाए। अभी तक हम अब्राहम के बारे में बातें करते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद किया, अब्राहम का पुत्र इसाक को आशीर्वाद किया, उसके बाद जो अगला वंश आया, आज तक परमेश्वर अब्राहम के आशीर्वाद से हम लोगों को भी आशीर्वाद करता है। हम सब इसके वंश के कुटुंबी बन गए हैं, आशीर्वाद के लायक बन गए हैं। अगर आप भी वैसे ही भरोसा रखेंगे, वैसे ही उस पर विश्वास करेंगे, वैसे ही उसका मार्ग को चुन लेंगे, जैसे अब्राहम का दास इस परमेश्वर को विश्वास करके अपना मार्ग
परमेश्वर के हाथ में दिया, परमेश्वर ने उसे सही रास्ते में ले आया। वैसे ही हमारे जिंदगी में भी परमेश्वर नया कार्य करेगा। यशायाह का किताब 45 का 2 और 3, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा और पीतल के किवाड़े को, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, मैं तुझको अंधियारा अंधकार के छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तुम जाने कि मैं इसराइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या आशीर्वाद परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आगे आगे चलेगा, ऊंचे ऊंचे भूमियों को चौरस करेगा, पीतल के किवाड़ जो तुम्हारे आगे जाने से रुकावट हैं उसे तोड़ डालेगा, लोहे के बेड़ों को जो आपको जकड़ कर रखा है बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर देगा और तुझको अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देगा। गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन तुम्हारे लिए खोद कर परमेश्वर देगा, जिससे तू जाने कि मैं इसराइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। हालेलुया, वह हमारे नाम से जानता है, एक एक जन को नाम से जानता है। अगर आप अपना रास्ता परमेश्वर को देंगे, आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे, तो ऐसा अद्भुत कार्य आपके जिंदगी में भी करेगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने आंख बंद करके परमेश्वर की ओर अपने दिल और दिमाग से प्रार्थना कीजिए, मांगिए, हे परमेश्वर मुझे भी आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए सहायता कर, मैं भी अपने मार्ग को परमेश्वर की हाथ में देने के लिए, हाथ में देकर चलने के लिए, हे परमेश्वर मेरी सहायता कर, ताकि मैं जान लूं मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या कुछ ना करता, मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या कुछ ना करता। हे परमेश्वर तू मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है, मेरे लिए अंधकार में गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन को मेरे पास देने के लिए तू तैयार है प्रभु। मेरा रास्ता सही सलामत जाने के लिए मेरा हाथ थाम कर, मेरे दाहिने हाथ को थाम कर तू ले जाता है प्रभु। मैं अपना हाथ ही नहीं, मेरा मार्ग ही नहीं, मेरा अपने जिंदगी का सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे घर, मेरे परिवार सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इस नए महीने में तू मुझे चला, मुझे बरकत आशीर्वाद कर, सब किस्म के बीमारी से छुटकारा दे, सब किस्म के खमी घटी से छुड़वा दे, सबके सामने किसी के सामने भी मुझे लज्जित ना कर दे, मुझे आशीर्वाद से बरकत आशीर्वाद से भर दे। मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।